नमस्कार साथियों, एग्जाम ज्ञान मंत्रा पर एक बार फिर से आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जब से अपना AGTA का मैटर क्लियर हुआ है, जब से UPPSC से डाटा UP SSSC को भेजा गया है, सबसे ज़्यादा आप सभी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर अब एट द एंड सिलेबस क्या रहने वाला है और किस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी को करना है। मैंने साथियों देखो, कुछ दिन पहले ही सिलेबस आपको एक एक्सपेक्टेड बता दिया था। जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके अनुसार सिलेबस जो आपका आगे आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है, क्लियर मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियो में डिटेल में हम लोग उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ देखो, परीक्षा में भी आपको बहुत कम इसमें समय मिलेगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी साथी सबसे पहले तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिन भी साथियों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। आपकी AGTA भर्ती से संबंधित सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवा देते हैं। चलिए ये साथियों, एग्जाम ज्ञान मंत्रा के कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाके देख सकते हैं, 4 वीक पहले ही, ठीक है, मैंने ये आपको जानकारी दे दी थी कि आपका आगामी सिलेबस क्या रहने वाला है। कृषि प्रावधिक परीक्षा साथियों AGTA के आगामी पेपर में 3 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एक सब्जेक्ट आपका रहने वाला है एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसके कि आपके 65 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं लगभग। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, इसके लगभग 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। और तीसरा साथियों सब्जेक्ट आपका रहने वाला है कंप्यूटर, इसके 15 क्वेश्चन आपके लगभग पूछे जाने वाले हैं। टोटल ये 100 क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका साथियों सिलेबस आगामी AGTA परीक्षा में रहने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ समय वगैरह आपको पता होगा, 2 घंटे आपको समय मिलेगा, 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी परीक्षा में होने वाली है। ये जो सब्जेक्ट हैं इनको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करना है। AGTA का जब ऑफिशियल सिलेबस आपके नोटिफिकेशन के बाद आ जाएगा, तब कुछ इसी, ठीक है, सब्जेक्ट इसी प्रकार के सब्जेक्ट से आपको आपका सिलेबस इसी प्रकार का देखने को साथियों मिलने वाला है। जानकारियां जो भी रहती हैं, जो भी हम लोगों को प्राप्त होती हैं, पहले ही हम लोग आपको अपडेट दे देते हैं उससे संबंधित। अब हम लोग बात करते हैं कि तैयारी आपको अभी किसकी करनी है। तो देखिए साथियों, 28-29 तारीख को आपका सबसे पहले PET एग्जाम 2023 है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जो आपके पास 10-15 दिन का समय बचा है, PET एग्जाम पे आप लोग ध्यान दो। 29 अक्टूबर को जैसे ही PET एग्जाम कंप्लीट होता है, आप लोग फिर अपने AGTA की तैयारी में लग जाना। और AGTA में सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर करने हैं, जो आपके सिलेबस के 3 सब्जेक्ट हैं, आपका एग्रीकल्चर, आपका UPGK और आपका कंप्यूटर, तैयारी आपको इसकी स्टार्ट करना है। एक शानदार तरीके से हम लोग भी इसकी तैयारी आपको प्रारंभ करवाएंगे और परीक्षा में जो आपके 3446 पद हैं, उन 3446 पदों में से एक पद को आपका सुनिश्चित करवाने के लिए जो भी प्रयास होंगे एग्जाम ज्ञान मंत्रा की तरफ से आपको देखने को मिल जाएंगे और हर एक सहायता एग्जाम ज्ञान मंत्रा की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक और चीज़, एग्रीकल्चर में साथियों जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, कुछ आपको मैं यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ जिनको आपको भी तैयार अपना कर लेना है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से अपने देखने को मिलने वाले हैं। एक तो आप लोगों को एग्रोनॉमी अपना अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं PET 2023 देने के बाद। उसके बाद साथियों आपको अपना सॉइल साइंस अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एक्सटेंशन से, उसके बाद हॉर्टिकल्चर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर, ये आपके एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश की विभिन्न मृदाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उत्तर प्रदेश का मौसम वगैरह, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपको वो पढ़ना है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न योजनाएँ चल रही हैं एग्रीकल्चर की योजनाएँ,
ठीक है, ये भी आपको अपना तैयार करना है। ये चीज़ें सबसे पहले आपको प्रायोरिटी बेसिस पे तैयार करना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का एक डिटेल, ठीक है। सिलेबस 29 तारीख के बाद मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि आपको अब एट द एंड पढ़ना क्या क्या है, उस तरह से हम लोग अपनी तैयारी को फिर प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो ये है साथियों, इतनी चीज़ें आपको अभी सबसे पहले अपनी प्रिपेयर करनी है, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर और उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर, जिसमें कि आपकी उत्तर प्रदेश की करंट की, ठीक है, करंट उत्तर प्रदेश का आपको पढ़ना है जो कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे ही करंट की योजनाएं अपना, जैसे ही उत्तर प्रदेश का बजट है तो इसमें कृषि के लिए कितना, ठीक है, अनुदान वगैरह दिया गया है, वित्त कितना आवंटित किया गया है, ये चीज़ें आपको यहाँ अपनी पढ़नी है, ठीक है। तो साथियों ये आपका सिलेबस रहने वाला है, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और यही आपका एट द एंड सिलेबस है। इसी को पॉइंट ऑफ इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी को आगामी समय में करना है। बहुत ही जल्द अब आपका जो नोटिफिकेशन है आपके सामने देखने को आपको मिलेगा। एक और बात, अभी आप UP SSSC देख रहे होगे, ठीक है, UP SSSC ने 2022 के पैट से जितनी भी वैकेंसी अपनी निकाली थी, ठीक है, उनमें से 5 वैकेंसियों के UP SSSC सिलेबस जारी कर चुका है, ठीक है, और बहुत ही जल्द इनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है ये भी UP SSSC जारी कर देगा। उसी तरह से अपना जो साथियों AGTE का जो पेपर है, ये इसके लिए बहुत ही कम समय आपको अब मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी अड़चनें थी सारी समाप्त हो चुकी हैं, और गवर्नमेंट भी पूरा पूरा प्रयास करेगी, आयोग भी यहाँ पे पूरा पूरा प्रयास करेगा कि चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पहले एक तो आपका पेपर करा ले, और अगर यहाँ पे संभव हो, ठीक है, तो जो ज्वाइनिंग लेटर का पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट करवा ले। लेकिन ये आप मान के चलें पेपर तो आपका एग्जाम जो आपका चुनाव है लोकसभा का, इसके पहले पहले हो जाएगा, ठीक है। तो समय आपको बहुत ही कम अपनी तैयारी के लिए मिलने वाला है, बस ये है कि एक बार PET एग्जाम आप लोग दे लो, फिर शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लग जाओ AGTE की परीक्षा में। अगर आप लोग अब पूछें कि सर 23 के पैट से आएगा 22 के पैट से, भैया 22 के पैट से ही आ रही है वैकेंसी, 3446 पद पर अपनी वैकेंसी आ रही है, शानदार पोस्ट हैं, ठीक है, और शानदार आपके पास ये मौका है। एक और चीज़ एट द एंड मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जिन भी साथियों के यहाँ पे 0 से अधिक नंबर हैं, ठीक है, PET 2022 में 0 से अधिक जिन भी साथियों के नंबर हैं, सारे एलिजिबल रहोगे आप लोग इसके मेंस के लिए, तो आराम से सभी लोग बिना किसी चिंता के अपनी तैयारी को करते चलें। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, जो भी आपका टाइम पीरियड है नोटिफिकेशन के बाद, देखो आपको 3 से 4 महीने का ही यहाँ पे समय मिलेगा मैक्स, में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो 2022 के पैट से वैकेंसी निकली थी ना, दिसंबर तक UP SSSC, ठीक है, लगभग सभी परीक्षाओं को दिसंबर जनवरी तक अपना कंप्लीट करा लेगा, कंडक्ट करा लेगा, ठीक है। तो कम समय आपको आपकी परीक्षा के लिए यहाँ पे मिलने वाला है, शानदार तरीके से बस आप अपनी तैयारी को करते रहो, जिससे कि जैसे ही वैकेंसी आए आप लोग, ठीक है, अपना एक जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित कर लें, ठीक है। साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे जो भी ऑथेंटिक जानकारी रहेगी एग्जाम ज्ञान मंत्रा के माध्यम से हम लोग आपको प्रदान कर देंगे, और डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसकी लिंक है, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं साथियों फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हैव अ ग्रेट डे।